अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल बी क्रिएटिव। आज मैं आपके साथ बहुत इजी और बहुत खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। इस नेक को हम ग्लास की मदद से ड्रॉ करेंगे और उसकी मदद से ही हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये मैंने एक स्टील का ग्लास लिया है, इसके साथ हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। चलें, फिर आपने क्या करना है, वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा वॉच करना है। वैसे भी बहुत छोटी सी वीडियो है, ठीक है, इसको फुल एंड तक वॉच करेंगे तो ही आपको समझ आएगी, ठीक है। चलें फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखें, ये मैंने एक पीस लिया है पेपर का, ठीक है। मैं पेपर पे कटिंग करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ये जो है फोल्ड किया हुआ है मैंने, ठीक है, ये देखें फोल्ड है, ठीक है। इसके बाद फोल्डिंग वाली साइड पे जहाँ से इसका मुंह बंद है उस साइड से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे चौड़ाई की तरफ, ठीक है। चौड़ाई की तरफ 3 इंच पे हमने निशान लगाना है और लंबाई की तरफ हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है, 6.5 इंच पे, ठीक है। ये स्मॉल टू मीडियम साइज़ का गला होगा, ज़्यादा डीप नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। अब हमने जो निशान लगाए हैं उन निशानों को हम स्केल की मदद से ड्रॉ करेंगे, लाइनें ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। लाइनें ड्रॉ करने के बाद हम एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। सब नेक डिज़ाइन जो हैं वो बॉक्स की मदद से ही बनते हैं, तभी अच्छे बनते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने जो लंबाई की तरफ 6.5 इंच पर निशान लगाया, उधर से हमने ऊपर की तरफ 2 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। 2 इंच पे हमने निशान लगा लिया। अब इन दोनों निशानों को भी हमने मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये हमारे 2 बॉक्स रेडी हो जाएंगे, ठीक है। अब जो है हमने ऊपर वाले निशान से जहाँ से हमने 2 इंच का निशान लगाया वहाँ से हमने 1/2 इंच के फासले पे एक निशान और लगाना है चौड़ाई की तरफ, ठीक है। चौड़ाई की तरफ हमने निशान लगाना है। अब हमने ग्लास का यूज़ करना है, ठीक है। किस तरीके से करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। आपकी तरफ मैं इसका टर्न करती हूँ, ठीक है। हमने कॉर्नर को जो हमने 1/2 इंच पे निशान लगाए उसको हमने नीचे वाली साइड से मिलाते हुए हमने ग्लास से एक ड्रॉ कर लेना है, पत्ते की शेप ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब हमने ये जो 1/2 इंच का निशान था उससे हमने आगे की तरफ बिल्कुल कॉर्नर पे हमने जो 3 इंच का निशान था उसके ऊपर हमने निशान लगाना है। ये 2 हमारे निशान बन गए ग्लास की मदद से, ठीक है। अब हमने इस निशान को थोड़ा सा गहरा करना है नीचे की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा राउंड से सेंटर से थोड़ा सा डीप करना है। डीप करके हम इसको वापस वहीं ले आएंगे, ठीक है। वापस उस निशान पे लाके अब हमने इसको बाहर की तरफ थोड़ा सा निकाल देना है, ठीक है। थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालना है, सिर्फ 2-3 पॉइंट, ठीक है। 2-3 पॉइंट बाहर की तरफ निकालते हुए फिर हमने इसको लाइन के साथ टच कर लेना है। अब हमने पहले बाहर की तरफ निकाला, अब हम अंदर की तरफ इसको 2-3 पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अंदर की तरफ टर्न करके हमने इस तरह अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये हमारा जो है नेक डिज़ाइन बहुत खूबसूरत सा बन के तैयार हो गया है। अब हम बाहर की तरफ 1-1 इंच के फासले पे निशान लगा लेंगे अपने नेक के साथ साथ, ठीक है। 1-1 इंच के फासले पे निशान लगाने हैं। निशान लगाने के बाद इन निशानों को हमने आपस में मिला लेना है, ऐसे हमने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। सारा हमने ऐसे ही ड्रॉ करना है, पेंसिल की मदद से ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, हम इसको सबसे पहले अंदर वाला पार्ट जो है कट करेंगे, ठीक है। सीज़र की मदद से ये देखें हम अंदर वाला पार्ट जो है इसका कट कर लेंगे। तो ये हमारा जो है बहुत खूबसूरत सा और बहुत इजी सा नेक डिज़ाइन जो है बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको कपड़े पे बनाएंगे ना तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप इसको कंट्रास्ट कपड़े पर बनाइएगा तो बहुत ही प्यारा बनेगा ये, ठीक है। आई होप सो आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा जो है नेक डिज़ाइन बन गया है। अब हमने बाहर से भी इसको कट कर लिया है। इसका जो डिज़ाइन है मैं इसको खोल के दिखाती हूँ, ये देखें कितना खूबसूरत है। कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। आपने इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करना है, ट्राई कीजिए फिर मुझे बताइए कि आपका ये नेक कैसे बना है, कितना खूबसूरत बना है, ठीक है। और ग्लास की मदद से, ठीक है। जिनको कटिंग नहीं आती उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इजी है और हेल्पफुल वीडियो होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।